rahman Rahim we have already discussed in detail issues related to aggregate demand we derived is curve then monetary policy curve and finally aggregate demand curve then we discussed the factors which are responsible uh, for shifting of aggregate demand curve and other two curves as well now we move on to second part of aggregate demand aggregate supply model that is

जब एग्रीगेट सप्लाई प्रोडक्शन का नाम है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जाहिर है इस प्रोडक्शन को किसी वेरिएबल से रिलेट करेगा तो हम उसी वेरिएबल से रिलेट करते हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड को किया था इनफ्लेशन इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक मुल्क के अंदर एक साल के अंदर होती हैं उसको इन्फ्लेशन रेट के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए तो वो रिलेशनशिप क्या रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व अब चूंकि मेरा टॉपिक अभी सप्लाई कर्व के अंदर है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व तो फिर मुझे यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या फर्क होता है देखें मैंने अभी कुछ लेक्चर्स पहले आपको एक बात बताई थी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन और उसमें मैंने स्पेशली ये बात बताई थी कि वेजिस्टिकी हो सकती है और मैंने कहा था वेजेस एक वीक के लिए स्टिकी हो सकती हैं एक महीने के लिए हो सकती हैं लेकिन मे बी एक साल के लिए ना हो अब जो टाइम पीरियड जिसके दौरान कुछ प्राइसेस कांस्टेंट रहे और ये आप जेन में रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स के जेन में ये आता है कि प्राइसेस तो कांस्टेंट नहीं रहती मैंने आपको कहा था कि बाटा की प्राइस रोज चेंज नहीं होती सर्विस के शूज की प्राइस रोज चेंज नहीं होती रेस्टोरेंट पे जाएं तो वहां पे जो खाने की प्राइस आपसे चार्ज की जाती है मसलन चाय का कप जितने में दिया जाता है वो रोज प्राइस नहीं चेंज होती इसका मतलब है कुछ प्राइसेस शॉर्ट रन में स्टिकी होती हैं यानी कि कांस्टेंट होती हैं फोरी चेंज नहीं होती तो हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फर्क यहीं से करेंगे ऐसा टाइम जिसमें कुछ प्राइसेज कांस्टेंट है और कुछ चेंज हो रही है जैसे वेजिटेबल की चेंज होती है चिकन की चेंज होती रहती है जबकि कुछ आइटम की प्राइसेज चेंज नहीं हो रही इसको हम कहते हैं शॉर्ट रन और जिस टाइम पीरियड में सारी प्राइसेस चेंज हो सके यानी कि अल्टीमेटली तो हर प्राइस चेंज होती है ना तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सारी प्राइसेस चेंज हो सके वो हमारे लिए लॉन्ग रन तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क बेसिकली वेजेस या प्राइसेस के कांस्टेंट होने का है या उनके फ्लेक्सिबल होने का है अब जब एग्रीगेट सप्लाई टोटल आउटपुट का नाम है तो सवाल यह है कि लॉन्ग रन के अंदर टोटल आउटपुट कितनी हो सकती है लॉन्ग तो रन के अंदर जो टोटल आउटपुट हो सकती है वो अगर आप अपनी लेबर को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे यूज कर लें। और जो कैपिटल अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करें और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करें तो गिवन कैपिटल और टेक्नोलॉजी में अगर आप अपनी लेबर को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे यूज कर लें तो ये आपको लॉन्ग रन की आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा अब सवाल ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं क्या आपके जेन में यह आ रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से मुराद है कि हर बंदा एम्प्लॉयड हो जाए जिसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाए नहीं ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट हो तो सही लेकिन नेचुरल रेट की इक्वल हो और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद यह है कि हर वक्त इकोनॉमी में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर होती है जिसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं और वो किस वजह से हो सकती है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये ये हो सकती है कि एक बंदा अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता है पहले बल्कि न्यूज़पेपर में एड आता है फिर बंदा अप्लाई करता है फिर उसके पेपर्स की स्क्रूटनी होती है फिर उसे टेस्ट के लिए बुलाया जाता है फिर इंटरव्यू कॉल होता है फिर फाइनल कॉल होता है फिर वो ज्वाइन करता है इस प्रोसेस के दौरान वो अनएंप्लॉयड रहा दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के एक जो इकॉनॉमी का सेक्टर है वो खत्म होता जा रहा है वहां से लोग अनए्लॉयड हो रहे हैं और वो कुछ टाइम बाद दूसरे सेक्टर में अब्जॉर्व हो रहे हैं लेकिन जितनी टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहे उसको हम कहेंगे ये अनएम्प्लॉयड है लेकिन ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब ये है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे हो तो हम कहते हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई और अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट जिसको हम कह रहे हैं तो उस फुल एम्प्लॉयमेंट को यूटिलाइज करते हुए जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होगी उसको हम नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट कहते हैं या पोटेंशियल आउटपुट भी कहते हैं इसलिए याद रखें कि लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो पोटेंशियल आउटपुट की इक्वल होती है वो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट की इक्वल होती है ये आपके जेन में क्लियर होना चाहिए तो जब लॉन्ग रन में डिटर्मिन होती है आउटपुट या तो लेबर की फुल यूटिलाइजेशन से या कैपिटल और टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी से तो इसका मतलब है उसका लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन रेट से कोई रिलेशनशिप नहीं होता उसकी जो भी वैल्यू वाईपी है उसके ऊपर एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल हो जाता है और वर्टिकल होने का मतलब यह है कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन की कोई भी वैल्यू हो लेकिन लॉन्ग रन में आउटपुट जो है वो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट या पोटेंशियल आउटपुट की इक्वल होगी जिसका मतलब यह है कि इकोनॉमी इससे ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकती कम अज कम जब तक लोगों को इतना यूटिलाइज किया जाए जितना एक नॉर्मल एक दिन में एक बंदा काम कर सकता है थैंक यू